हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कंपटीशन दुनिया में थामन में। तो लेकर मैं हाजिर हूँ कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा क्या क्या आने वाला है। वो मैं वीडियो बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल पे। और दोस्तों देखें, आपके KVS LDC की एग्जाम हो, चाहे झारखंड पंचायत सचिव की स्टेज 2 की एग्जाम हो, क्वेश्चंस आपको क्या आने वाला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS वर्ड, ये बनाने दिया जाएगा। और उसके बाद आपको उसे ईमेल करने कहा जाएगा। 200% यही क्वेश्चन होने वाला है, आप लिख करके रख लो। और JSSC और KVS LDC के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस में भी ऐसा ही मेंशन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं इसमें ईमेल के बारे में बेसिक्स भी बताऊंगा, सारे टर्म्स जो उसमें आते हैं, CC BCC। देखिए, हम सब ईमेल को जानते हैं अच्छे से, लेकिन फैक्चुअल चीज़ आपको पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। CC क्या होता है, BCC क्या होता है ना, सब्जेक्ट में क्या लिखा होता है, क्यों अटैच, कोई भी फाइल को अटैच करना है तो वो कैसे करते हैं, और ईमेल सेंड करना है तो वो क्या है, ठीक है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, याहू मेल क्या है, वगैरह वगैरह जो भी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, अगर वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे तभी मैं समझूंगा कि मतलब आप सब इंटरेस्टेड हो, तब मैं इसे सीरीज कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं कुछ दिनों का ब्रेक लगा दूंगा। तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है, आप इसे ज़्यादा से शेयर करें। अगर वीडियोस आप लोग पसंद करते हो तो मैं तुरंत इसके 2 दिनों में पार्ट 2 भी ला दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ईमेल को, एक हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस प्रकार, देखिए जनरली हम लोग इसे मोबाइल पर यूज़ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता है, लेकिन हमको एग्जाम में कंप्यूटर पर करना है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर का प्रीफेस दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की खुलती है ईमेल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, बाईं ओर भी आपको बहुत सारे चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है मैं सारे को डिस्कस करूंगा इत्मीनान से, आप चिंता ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तो सारे चीज़ मैं बताऊंगा नीचे आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ लेफ्ट में बॉक्स में इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स मतलब कोई भी मैसेज आपको अगर आएगा तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, इनबॉक्स में। सेंट मेल, किसी को आप कुछ ईमेल भेजते हैं तो वो आज से आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी देखोगे तो सेंट मेल में वो आपको मिल जाएगा। ड्राफ्ट होता है, मान लीजिए आप ईमेल लिख रहे हैं, बीच में आपने काट दिया, चाहे उसे आपने अच्छे से नहीं भेजा, चाहे वो कहीं पर भी सेंड नहीं हुआ, वो बीच में अटका हुआ है, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। और स्पैम, देखिए दोस्तों जनरली स्पैम होता क्या है, अगर गूगल मेल को या जीमेल को लगता है कि ये ईमेल आपके लिए सही नहीं है, या तो ये एक ऑथोराइज सोर्स से नहीं आया, चाहे इसमें कुछ गड़बड़ी है, चाहे ये आपके लिए हार्मफुल है, तो ये इसे ऑटोमेटिकली स्पैम नाम के फोल्डर में डाल देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो जरूरी काम की ईमेल है वो भी स्पैम में आ जाती हैं, तो ये स्पैम का काम है दोस्तों। ये कुछ टर्म्स थी। अब हम प्रीफेस देख लेते हैं ईमेल का। जैसे ईमेल का पेज खुलता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको टू टू मतलब आप जिनको भेज रहे हैं, मीन्स जिनको भी आपको भेजना है उनका ईमेल आईडी टू कॉलम में प्रेस किया जाता है। वहीं बात कर ले CCC, वहीं बात कर ले CC। CC होता है दोस्तों कार्बन कॉपी, ध्यान से सुनेंगे, CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। वहीं एक और वर्ड आता है जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, BCC। BCC दोस्तों होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फर्क अब मैं बता रहा हूँ आपको। CC कार्बन कॉपी का मतलब होता है दोस्तों कि आप उसी ईमेल को एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा लोगों को पहुंचा रहे, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता चलेगा कि उसके अलावा भी किसी को ये ईमेल भेजा गया है, ठीक है। लेकिन कार्बन कॉपी में, वहां पर अगर आपको कार्बन कॉपी के थ्रू ईमेल आता है तो आप देख सकते हैं कि टू में आपको बहुत सारे नाम्स होंगे, जैसे कि HHK@gmail.com कॉमा ये, या फिर आपका भी ईमेल, बहुत सारे ईमेल, मतलब जिन जितने आदमी को वो अटैच किया गया वो एक साथ ईमेल, उन सबको नाम दिखाएगा। लेकिन अगर कोई BCC करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा कि आपके नाम से वो ईमेल आया हुआ, बाकी कोई फर्क नहीं है। सिंपल वर्ड ले वर्ड्स में आप समझें तो CC और BCC का मतलब ही है एक से अलावा, एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ ईमेल करना। अब बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है, शॉर्ट में आपको बताना है कि आप इसमें क्या उनको बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से पैसे मांग रहे हैं तो आस्क फॉर मनी, चाहे कंप्लेन लिख रहे हैं तो आप वहाँ लिखेंगे कंप्लेन फॉर दिस। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है आप अपनी राय, अपने जो मैसेज आके टाइप करने वाले उसके बारे में शॉर्ट में बताएं। अब ये जो आप जगह खाली देख रहे हैं इसे मैसेज बॉडी बोलते हैं। अब आपको गौर से, यह मैंने जूम कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले बात तो कोई भी चीज फाइल को अटैच करने को ही बोलते हैं। जैसे आपको मान लीजिए फोटो भेजना है, ईमेल भेजना है, ईमेल में वीडियो भेजना है, ठीक है, कुछ भी फाइल भेजना है, PDF भेजना है, तो अटैच करना होगा। और यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा होगा क्लिप के आकार का, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको साइन दिख जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ही होता है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये साइन जो है इसका मतलब ही है कि आपको
कुछ अटैच करना है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी अटैच कर पाएंगे आसानी से, और आप अपने ईमेल में कुछ एक्स्ट्रा जो भेजना चाहते हैं वो भी भेज पाएंगे। दोस्तों आज के लिए बेसिक्स में इतना ही, अगले वीडियो में हम ईमेल भेज करके देखेंगे और उसमें हम फोटो और कुछ वीडियोस भी अटैच करके भेजेंगे, वो हमारा पार्ट टू होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड में हम स्टार्ट करेंगे एमएस पावर पॉइंट की कम से कम 4-5 ट्यूटोरियल, पूरा पावर पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और भी टाइपिंग के सारे वीडियोज चैनल पर हैं, कंप्यूटर के सारे वीडियोज हैं, फोटो आपके स्क्रीन पर आ रही है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर व्यू आएंगे दोस्तों तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।